देखिए हमने पिछला सवाल किया था, अब हमारा नेक्स्ट सवाल देखिए वही एडिशन है। तो देखिए देखिए अब हम हमारी स्टोरी को रीड करते हैं। तो देखिए रीड कीजिए मेरे साथ। ANGEL एंजल एंजल HS has रखती है टू BOOs बुक्स। एंजल के पास कितनी बुक्स है? दो बुक्स है, टू बुक्स है। हर HR हर किसके लिए आता है? गर्ल के लिए। तो हर मदर MOTHER उसकी मम्मी ने क्या किया उसको? गिव यानी दी। हर फोर बुक्स मोर उसकी मम्मी ने क्या किया उसको? उसकी चार बुक्स और दे दी। दो बुक्स एंजेल के पास पहले से ही है और उसकी मदर ने तो क्या किया फोर बुक्स और दे दी। तो उसके पास बुक ज्यादा हुई या कम हुई बताओ। जैसे आपके पास टू पेंसिल है और आपकी मम्मा ने आपको टू पेंसिल और दे दी तो आपके पास पेंसिल ज्यादा हुई या कम हुई? ज्यादा हुई ना। तो देखिए ज्यादा के लिए क्या बताया था मैंने, क्या करना है आपको? ऐड करना है। तो देखिए हाउ मैनी यानी होता है कितना, कितनी, कितने। बुक्स यानी किताबें। डज यानी रखती है। शी हैव नाउ एंड नाउ में होता है अब उसके पास कितनी किताबें हो गई। तो उसके पास किताबें ज्यादा होगी या कम? ज्यादा होगी ना। तो देखिए वापस एक बार रीड करते हैं हमारे किस्म को। एंजल हैज टू बुक्स एंजल के पास दो किताबें हैं। हर मदर गिव्स हर फोर बुक्स मोर मोर यानी ज्यादा। उसकी मम्मी ने उसको चार किताबें और दे दी ज्यादा। हाउ मैनी बुक्स डज शी हैव नाउ तो उसके पास अब कितनी किताबें हो गई? तो बताओ उसके पास किताबें ज्यादा हुई या कम हुई? जैसे आपके पास एक बुक है और आपकी मम्मा आई, मम्मा ने आके दो बुक्स और दे दी आपको, तो आपके पास कितनी बुक्स हो गई? ज्यादा हो गई ना। तो फिर क्या करना है ज्यादा के लिए हमें? ऐड करना है। तो कीजिए ऐड। तो पहले एंजल के पास कितनी बुक्स है? टू बुक्स है। तो पहले क्या राइट करेंगे हम? टू। फिर कितनी बुक्स दी इसकी मम्मा ने इसको? फोर बुक्स दी। तो फोर भी राइट कर लेंगे हम यहाँ। अब हम करेंगे इसका ऐड। तो देखिए हमारे पास बड़ी डिजिट कौन सी है? फोर है। तो फोर को हमें थोड़ी देर के लिए क्या कर देना है? लिव कर देना है। और हमें अपने फिंगर पर टू लाइन ड्रॉ करनी है। तो करो वन टू। अब हमने क्या छोड़ा था? फोर। तो फोर के बाद से काउंटिंग बोलो। तो फाइव सिक्स कितना है? सिक्स। तो कितनी बुक्स हो गई उसके पास अब? सिक्स बुक्स। कितनी बुक्स हो गई? सिक्स बुक्स। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको टू सवाल करवाए ना, अब आप इनको अपनी नोटबुक में करना और फिर इनकी प्रैक्टिस भी करना। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4.7 एक्सरसाइज का। देखिए पक्षी आर यानी है ऑन द BRANCH ब्रांच ब्रांच पर। ऑन में होता है पर, तो एक शाखा ब्रांच होती है पेड़ की डाली। तो एक पेड़ की डाली पर क्या है? दो पक्षी है। आर इन द नेस्ट यानी घोंसले में। एक पेड़ पर क्या है? फाइव बर्ड्स आर ऑन द ब्रांच। पांच पक्षी तो किस पर बैठे हुए? एक पेड़ की डाली पर। टू बर्ड्स आर इन द नेस्ट, नेस्ट यानी घोंसले में। और दो पक्षी कहाँ बैठे हैं? घोंसले में। तो कह रहा है हाउ मैनी यानी कितने, कितनी, कितने बर्ड्स यानी पक्षी आर देयर इन ऑल, और यानी सारे मिला के कितने पक्षी हो गए? तो कह रहा है पांच पक्षी तो किस पे बैठे हैं? पेड़ की डाली पे बैठे हैं। और दो पक्षी कहाँ बैठे हैं? पेड़ की घोंसले में बैठे हैं। तो पूरे मिला के कितने पक्षी हो गए? तो पूरे मिला के ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा होंगे। तो ज्यादा के लिए हमें क्या करना है? फिर वही ऐड करना है जैसे हमने पहले किया है। तो पहले हमारे पास कितने पक्षी हैं? फाइव पक्षी हैं जो तो कहां बैठे हैं? ब्रांच पे। तो हम मैं फाइव राइट करेंगे। फिर उस नेस्ट में कितने पक्षी हैं? टू है, टू बर्ड्स है, तो हम यहाँ टू राइट कर लेंगे। अब हमें करना है इसका एडिशन क्योंकि तो हमें ज्यादा करने हैं। तो है ना क्योंकि फाइव बर्ड्स तो ब्रांच पे और टू बर्ड्स नेस्ट में है, तो कुल मिला के कितने हो गए हमारे पास टोटल? ज्यादा हो गए ना। तो हम ज्यादा के लिए ऐड करेंगे। तो देखिए करते हैं हम ऐड। वही हमें क्या करना है? बड़ी डिजिट को लिव करना है। तो हमने फाइव लिव कर दिया। अब हम टू फिंगर ड्रॉ करेंगे। वन टू, टू डिजिट ड्रॉ कर लिया हमने फिंगर पे। अब हम फाइव के बाद से काउंटिंग बोलेंगे। तो फाइव पर क्या आते हैं? सिक्स सेवन। तो टोटल कितने बर्ड्स हो गए? सेवन बर्ड्स हो गए। तो ये हमारा हुआ
एडिशन कंप्लीट। इससे आप अपनी नोटों पर राइट कीजिए।